पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि स्थानीय कारण के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण शनिवार सुबह भी गंभीर श्रेणी में है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह से ही लोगों ने सांस लेने में तकलीफ के साथ आंखों में जलन की शिकायत की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हवा की गति पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ी तेज यानी कि 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस वजह से हवा की गुणवत्ता में थोड़ी सुधार जरूर हुई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मानना है कि गाय के माध्यम से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है, जिसको लेकर एसडीएमसी ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके मुताबिक किसी के अंतिम संस्कार के लिए गाय के गोबर यानी कि उपले और पराली का इस्तेमाल किया जाएगा। गुरुवार को यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस कदम से गौ हत्या को कम किया जा सकेगा, इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा। स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मेडिकल रिलीफ एंड पब्लिक हेल्थ कमेटी को भेज दिया है। रायसीना के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को जल्द ही ढहा दिया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने योजना तैयार की है। अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी जो इस काम को अंजाम देगी। नगर परिषद की ओर से कमेटी को अप्रूवल के लिए नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के पास भेजा गया है। आयुक्त की ओर से अप्रूवल मिलते ही अवैध निर्माण में तोड़फोड़ शुरू कर दी जाएगी। दरअसल अरावली पहाड़ी के अंचल क्षेत्र में 400 से ज्यादा फार्म हाउस विकसित किए गए हैं। पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर इन्हें बनाकर बिल्डर ने देश के नामचीन हस्तियों को बेचा था। मामला एनजीटी के पास गया तो अवैध तरीके से हुए निर्माण पर एनजीटी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरियाणा के नारायणगढ़ में एनजीटी की टीम ने शुक्रवार को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डेरा मौजाओं में धावा बोला। टीम ने अवैध खनन के काम में लगे 12 ट्रकों और 2 अर्थ मूविंग मशीनों को मौके से पकड़ा। 4 ट्रक खनन सामग्री से भरे हुए थे। इन सभी 14 वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। इस कार्रवाई में सबसे रोचक बात ये रही कि एनजीटी की टीम बाइकों पर खनन जोन में पहुंची, क्योंकि पहले जब गाड़ियों से टीम पहुंचती थी तब इन गाड़ियों के नंबर पहले से पता होने से माफियाओं को टीम के खनन जोन में आने की सूचना मिल जाती थी, जिसके बाद वो वहां से फरार हो जाते थे। पटना जिले के मत्स्य पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार दस्तावेजों में पटना जिले में कुल 1007 तालाब हैं, लेकिन इनमें से 342 तालाब का अस्तित्व ही नहीं है। इन तालाबों को पाट कर लोगों ने कब्जा कर लिया है। कई तालाबों पर भवन निर्माण की भी सूचना है। तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना के तहत इन्हें खोजकर अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की योजना शुरू हुई है। तालाब को ढूंढने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों यानी कि सीओ को सौंपी गई है। सीओ कार्यालय के माध्यम से ही 1980 में यह तालाब मत्स्य विभाग को मछली पालन के लिए आवंटित किए गए थे। बरेली के फतेहगंज पूर्वी से 2 किलोमीटर दूरी पर ग्राम लखनपुर में शुक्रवार सुबह एक मृत तेंदुआ का शव ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के साथ पुलिस को भेजी। सूचना के 1 घंटे बाद क्षेत्रीय वन रक्षक और उनकी टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृत तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम IVRI में कराया, जहां सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई। वहीं अधिकारियों का मानना है कि तेंदुआ को किसी वाहन ने टक्कर मारी है, जिसके बाद उसके सिर में चोट लग गई और फिर उसकी मौत हो गई। तेंदुए के शरीर में मिट्टी भी लगी मिली है। छत्तीसगढ़ के बालोद में जिला मुख्यालय के कचरा निदान केंद्र SLRM सेंटर में गोबर की लकड़ी बनाने की तैयारी की जा रही है। संजय नगर दशोला तालाब में बने कचरा निदान केंद्र में शहर की महिलाएं गोबर से लकड़ी बना रही हैं। इसका संचालन नगर पालिका करती है। शुरू में गाय के गोबर से तैयार लकड़ी का इस्तेमाल नगर पालिका के मुक्ति धाम में होने वाले शवों के अंतिम संस्कार में किया जाएगा। लकड़ी तैयार करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया, मौजूदा समय मुक्ति धाम में शवों के अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी की खपत होती है, गोबर से तैयार लकड़ी के इस्तेमाल से यह खपत आधी रह जाएगी। गोबर से बनी लकड़ियों से पर्यावरण शुद्ध होगा और कमाई भी अच्छी होगी। कान्हा का समृद्ध जंगल छोड़कर जबलपुर के जंगलों में विचरण करने आए 2 हाथियों में से 1 हाथी का मौत का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एनजीटी चेन्नई और नई दिल्ली द्वारा पूर्व में हाथियों की मौतों के मामले में जारी आदेश निर्देश की रोशनी में जबलपुर के पास बरगी में हाथी की मौत के सिलसिले में भी दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनसे पर्यावरण जुर्माना वसूलने पर जोर दिया गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच जबलपुर ने इस संबंध में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग को शिकायत भेज दी है, जिस पर कार्रवाई पर भी जोर दिया गया है। ऐसा न किए जाने की सूरत में एनजीटी में याचिका दायर की जाएगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने कहा कि 3 जून 2020 को केरल में मुंह में पटाखा फूटने से हाथी की मौत के मामले में बेहद गंभीरता से लेकर एनजीटी साउथ जोन चेन्नई ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। झारखंड के रांची के ओर मांझी के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सभी जानवरों के खाने में प्रोटीन और विटामिन की मात्रा बढ़ा दी गई है। शाम होते ही हाथी के पिंजरों के पास लावा जला दिया जाता है। उसके बैठने के लिए पुआल की व्यवस्था की गई है। वहीं गर्मी करने के लिए शेर के पिंजरे के बाहर हीटर या ब्लोअर लगाया जा रहा है। सांप के पिंजरे में भी डबल कंबल की व्यवस्था की गई है। जैविक उद्यान में पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए उनके पिंजरे में पर्दा टांग दिया गया है।
साल 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से वाहन उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन नए साल में इसकी सेहत अच्छी रहने की संभावना है। ताजा स्टडी के मुताबिक मंदी की मार झेल रही इस उद्योग को नए साल में नई रफ्तार मिल सकती है। नमूरा रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटो इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। अगले वित्त वर्ष के दौरान वाहन उद्योग कोरोना महामारी की मार से उबर जाएगा। खासकर दो पहिया और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि पर्सनल व्हीकल के मामले में इंडस्ट्री साल 2022-23 तक ही 2018-19 के लेवल पर आ पाएगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।